आगरा के विजयनगर में केमिकल कारोबारी की हत्या के बाद कई तथ्य निकल कर सामने आए हैं। लुटेरे पुलिस चौकी के सामने से भागे। पुलिस 15 मिनट तक बाइक की चाबी ही ढूंढती रह गई। पुलिस कमिश्नर ने घटना के लगभग 4.5 घंटे बाद घटनास्थल पर शिरकत की। घर के अंदर की घटना भी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फुटेज पुलिस के पास है। जिस नौकर ने इस वारदात को अंजाम दिया वो घर के गोदाम से ई रिक्शा में केमिकल लाने और ले जाने का काम करता। आसपास के लोगों ने बताया कि लुटेरे 160 कदम दूर पुलिस चौकी के सामने से निकले थे। पुलिस चौकी पर खड़े सिपाही को लोगों ने चिल्लाकर बताया, लेकिन सिपाही अपनी बाइक की चाबी 15 मिनट तक ढूंढते रहे। जब तक सिपाही ने बाइक स्टार्ट की तब तक लुटेरे दूर जा चुके थे। आसपास के लोग दिलीप गुप्ता और लता गुप्ता को लेकर हॉस्पिटल पहुंचे थे, जहां डॉक्टरों ने दिलीप को मृत घोषित कर दिया। लता गुप्ता को भर्ती कर लिया गया। उसके हाथ में फ्रैक्चर है और सिर में चोट भी बताई जा रही है। वहीं चलते इस घटना के कुछ बिंदुओं की ओर बताते चले। विजयनगर में रहने वाले दिलीप गुप्ता का केमिकल का कारोबार था। घर में गोदाम है। रावतपाड़ा में लगभग 100 साल पुरानी दुकान है। सिकंदरा में एक फैक्ट्री है। सोमवार के कारण रावतपाड़ा बंद रहता है। पति पत्नी घर पर थे, दोनों बेटे काम पर गए। वहीं 1:30 बजे दिलीप गुप्ता अपने गोदाम में थे। उनकी पत्नी लता गुप्ता पहली मंजिल पर बने अपने घर में थी। उनके गोदाम पर काम करने वाला कर्मचारी लोकेश घर पहुंचा। उसने गेट खुलवाया। गेट खुलते ही 3 नकाबपोश घर के अंदर घुस गए। लोकेश और उसके 3 साथियों ने दिलीप गुप्ता को दबोच लिया। गोदाम में उसके साथ मारपीट की, सिर पर ईंट मारी, हाथ पैर बांध दिए और लता ये सब सुन के नीचे आई तो उन पर भी हमला बोल दिया। लता गुप्ता गिर गई। लोकेश ने घर को खंगाला। घर में अलमारियों में मिले गहने और नकदी को थैलों में भरा और लेकर फुर हो गया। ये थी पूरी घटना। घटना के बारे में रावतपाड़ा में दुकान के पड़ोसी विजय ने क्या बताया। रावतपाड़ा में दिलीप गुप्ता की दुकान के पड़ोसी विजय ने बताया कि 100 साल पुरानी दुकान है। बहुत ही कोमल हृदय के दिलीप गुप्ता व्यक्ति थे। किसी से रंजिश नहीं थी। लोगों की लड़ाइयां भी सुलझाते थे। रविवार रात को ही दुकान बंद करते समय उनकी मुलाकात हुई थी। हंसी मजाक हुआ था। किसी ने नहीं सोचा था कि सोमवार को ऐसा हो जाएगा।